after column, column A and column B. Total revenue, agriculture goods, total cost upon total quantity, stock, perishable goods, perfectly elastic supply, increase in supply. Column B, inelastic supply, average cost, total quantity into price, fruits, potential supply, rightward shift in supply curve, horizontal supply curve. Okay? एग्जाम में आपको बी कॉलम में ज्यादा ऑप्शंस भी दे सकता है, वो मोर देन सेवन या मोर, यदि यहाँ पांच है तो यहाँ आठ दे सकता है. सो दैट आप इस ये नहीं फंडा नहीं बैठेगा कि लास्ट जो बचा है उसको लास्ट से टिक कर दो, ये बात ध्यान रखना. सो यू शुड बी क्लियर विद योर कॉन्सेप्ट्स, डोंट मग अप, समझो, बार बार वीडियोस देखो एंड देन मैच द कॉलम इज अ इजी थिंग. सो लेट्स स्टार्ट. टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू क्या होता है? टोटल क्वांटिटी इनटू प्राइस. सो टोटल रेवेन्यू वन का सी. नेक्स्ट, एग्रीकल्चरल गुड्स, एग्रीकल्चरल गुड्स को बढ़ाया नहीं जा सकता क्योंकि जितना आप एग्रीकल्चर का प्रोड्यूस है आप उसको शॉर्ट रन में कैसे बढ़ाओगे. और एंड इनफैक्ट जो है वो प्राइस यदि काफी बढ़ भी रही है तो भी आप उसको उसकी सप्लाई को बहुत चेंज नहीं कर पाओगे. सो एग्रीकल्चरल गुड्स क्योंकि नेचर पे डिपेंडेंट है इसलिए उनकी सप्लाई कैसी होती है? इन इलास्टिक सप्लाई. एग्रीकल्चरल गुड्स इन इलास्टिक सप्लाई टू का ए. नाउ थर्ड, टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल क्वांटिटी. टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल क्वांटिटी करके हमको क्या मिलता है? टोटल जितनी भी कॉस्ट है अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स किया तो एवरेज कॉस्ट मिलता है. सो थ्री का बी, टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल क्वांटिटी विल गिव यू एवरेज कॉस्ट. नेक्स्ट, स्टॉक. स्टॉक क्या होता है? हमने पढ़ा था ये है पूरा जो है वो है आपका स्टॉक और उसमें से एक पार्ट सप्लाई किया जाता है. सो एक और वर्ड पढ़ा था हमने गिव रीजंस एंड एक्सप्लेन में, एक लाइन याद करो, स्टॉक इज पोटेंशियल सप्लाई किया था और यहाँ पे पोटेंशियल सप्लाई दिख रहा है. सो फोर्थ का ई, स्टॉक इज पोटेंशियल सप्लाई. नेक्स्ट फिफ्थ, पेरिशेबल गुड्स. पेरिशेबल गुड्स जो जल्दी से सड़ जाएं, क्या पेरिशेबल गुड्स? फ्रूट्स. परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई. इलास्टिक रबर बैंड सोचने को बोला जो कि पूरा अच्छे से स्ट्रेच हो और अच्छे से वापस कम भी हो जाए. सो शेप कैसा आ रहा है ऐसा रबर बैंड का बीच की लाइन सोचने को बोला था एंड एच से याद रखने को बोला था horizontal. So perfectly elastic supply is horizontal supply curve. Sixth ka G, increase in supply kya hoga? Dekho, variation to price ke karan hota hai, jo extension or contraction hota hai. Increase, changes mein kya hota hai, ye aise supply curve hai. तो अब मैं इंक्रीज इन सप्लाई बोलूंगी तो पूरा का पूरा कर्व शिफ्ट होगा राइट में. ओके, सो इंक्रीज इन सप्लाई बोला ना कि एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन बोला. एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन तो सेम सप्लाई कर्व पे होता है बट इंक्रीज एंड डिक्रीज में पूरा कर्व शिफ्ट होता है. इंक्रीज इन सप्लाई में पूरा कर्व राइट में शिफ्ट होता है. सो सेवेंथ, इंक्रीज इन सप्लाई का आंसर एफ, राइट वर्ड शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व. सो सेवेंथ का एफ, इंक्रीज इन सप्लाई मीन्स राइट वर्ड शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व.